बैतूल की बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में 90 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया, जिसमें बैंक महाप्रबंधक की शिकायत पर 5 कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीआई अनुराग प्रकाश के मुताबिक महाराष्ट्र बैंक की शाखा में पिछले कई माह से इस राशि का हिसाब नहीं मिल रहा था। अब तक बैंक में लगे एटीएम के 21 मई तक के फुटेज की जांच की गई और इसी फुटेज के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र जो करेंसी चेस्ट है उसमें से 90 लाख रुपए की कम जो पाए गए थे उसी के रिगार्डिंग 409 में एफआईआर करी गई है। अब ये कैसे कम हुए हैं, एक साथ कम हुए हैं या अलग अलग समय पे निकाले गए हैं, ये विवेचना का विषय है। इसके ऊपर लगातार विवेचना की जाएगी और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि किस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया गया।